हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फाउंडेशन। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फाउंडेशन के टाइप क्या क्या होते हैं। अच्छा, पाइल होता है तो पाइल के भी क्या टाइप्स होते हैं। अच्छा, ओशियन फाउंडेशन होता है तो कहाँ यूज करते हैं, ग्रिलेज फाउंडेशन होता है तो कहाँ यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको हर एक टाइप के फाउंडेशन और फुटिंग्स का डाउट क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैंने कोशिश किया है। तो चलिए देखते हैं, और इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोगों को फाउंडेशन में कन्फ्यूज़न में करती है और क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट फाउंडेशन। इस पीपीटी में हम लोग सारे टाइप्स के फाउंडेशन के बारे में डिस्कस किए हैं। ये मेरे स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट अभिजीत के द्वारा बनाया गया पीपीटी है। चलिए देखते हैं, और इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें एक हमें फाउंडेशन के बारे में पता होना चाहिए। पॉइंटर ऑन कर लिया मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन जस्ट सी कि आपको ये दिख ही रहा होगा कि दिस इज फाउंडेशन। ओके, द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ द सॉइल एंड विच ट्रांसमिट द लोड टू द सॉइल इज टर्म्स एज फाउंडेशन। जो लोड को ट्रांसफर करे फाउंडेशन को, सॉरी सॉइल को, दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन। फंक्शंस ऑफ फाउंडेशन, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर ऑन लार्ज एरिया। एक बड़े एरिया में लोड को ट्रांसफर करने को काम करता है ये। टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड on underlying soil evenly, it provide a hard and level surface for the superstructure. It resist sliding, overturning and undermining. It prevents lateral movement of the supporting materials and thereby ensure the safety of structure. रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड फाउंडेशन, उसको देखना है तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए उसका लोकेशन, फिर स्टेबिलिटी, फिर सेटलमेंट, और फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी। ओके, अगर इकोनॉमी का टेंशन नहीं है तो आप सबसे अच्छा वाला बना सकते हैं, बट अगर पैसे ही बचाना है तो आपको सोचना पड़ेगा कौन सा हमें रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। तो आपने देखा होगा कि सेलो फाउंडेशन एक होता है और एक होता है डीप फाउंडेशन। डीप कब होगा? जब मोर देन 3 मीटर होगा। कितना होगा? मोर देन 3 मीटर होगा। और सेलो कब होगा? जब 3 मीटर से कम होगा, राइट? तो इसके चलिए देखते हैं, सेलो के बारे में सबसे पहले देखते हैं। व्हेन द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल और लेस देन विड्थ, व्हेन द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल और लेस देन विड्थ, विड्थ से इक्वल में हो या थोड़ा सा कम हो तो उसको क्या बोलेंगे? सेलो फाउंडेशन। टाइप्स ऑफ सेलो फाउंडेशन, स्प्रेड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, ग्रिलेज फुटिंग, मैट और राफ्ट, इसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग्स। अभी चल के एक एक करके आपको दिखाते हैं क्या होता है। स्प्रेड फुटिंग तो काफ़ी लोगों को पता होगा, ये होता है स्प्रेड फुटिंग, टॉप से ऐसा दिखेगा। इन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर वेयर सेवरल कॉलम्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड, आइसोलेट फुटिंग्स कैन बी एडॉप्टेड। तो इसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट है राफ्ट फुटिंग। राफ्ट फुटिंग क्या होता है? आपने देखा होगा कि क्या करता है, जब हैवी लोड हो तो उसको लोड को ट्रांसफर करने का डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ऐसे। ये मैट जैसा होता है, मतलब मैट फाउंडेशन ही इसको बोलते हैं। तो ये मैट जैसा होता है, ऐसे फैला दिया, इधर से फैला दिया, इधर से फैला दिया, तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज अ लार्ज कंटिन्यूस फुटिंग सपोर्टिंग ऑल द कॉलम्स ऑफ द स्ट्रक्चर। This is when used when soil condition are poor but piles are not used. ठीक है, पाइल नहीं यूज कर रहे हो, पाइल फाउंडेशन आपको नहीं यूज करना है, और सॉइल का कंडीशन भी खराब है, सॉइल इम्बेडिंग कैपेसिटी भी कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, राफ्ट फाउंडेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग सबको पता है, जब एक फुटिंग, एक कॉलम की फुटिंग दूसरे कॉलम की फुटिंग से मिल रही है, तो उस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, कंबाइंड फुटिंग कर देते हैं। इसमें हमारा पैसा भी बचता है और स्ट्रेंथ भी अच्छी आ जाती है। कंबाइंड फुटिंग सपोर्टिंग सपोर्ट टू और मोर कॉलम्स, दिस कैन बी रेक्टेंगुलर और ट्रेपोजॉइड। स्ट्रैप फुटिंग, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसका कवर होता है 50 mm से। द फुटिंग विच इज कनेक्ट टू फुटिंग्स इज कॉल्ड स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप बीम भी कुछ लोग बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट।
It is a component of a building foundation. It is a type of combined footing, consists of two or more columns footing connected by the concrete beam. This type of beam is called stray beam. ये stray beam, but अगर ये पूरा का पूरा बना रहेगा तो क्या है ये? एक आपका स्ट्रैप फुटिंग है, ओके। स्टील ग्रिलेज फुटिंग, बहुत कम लोगों को पता है कि स्टील स्ट्रक्चर में मैक्सिमम लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्रिलेज फुटिंग यूज़ करते हैं, स्टील में और वुड में, दोनों में। इट कंसिस्ट ऑफ स्टील जॉइंट्स और बीम विच आर प्रोवाइड अ सिंगल और डबल टायर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, स्टील की प्लेट से देख रहे हैं आप, ऐसे करके लगा देते हैं, इसको बेस प्लेट बोलते हैं एक्चुअली, और ये लगाते हैं, इसके बाद इसमें बोल्टिंग होती है। किसी दिन बोल्ट कनेक्शन के लिए भी आपको बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगता है, हम जो भी प्रयास करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। कई लोगों ने बोला सर टेक्ला आपने अभी कंप्लीट नहीं किया, मैंने बोला थोड़ा मुझे ट्रैफिक चाहिए यार, तभी मज़ा आता है कि चलो और अच्छा करते हैं, इसमें और बनाते हैं, बनाएंगे हम लोग हर एक टॉपिक के बारे में बनाएंगे। आपको भी अगर लगता है कि मुझे ये टॉपिक के बारे में जानना है तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करना। और अभी तो हमने आपके लिए इंग्लिश चैनल भी, लाइक हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, आप यूनिक सिविल इन इंग्लिश वाला चैनल यहाँ पे हमारे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको क्या होगा कि आपको इंग्लिश में भी समझ आएगा, हिंदी में भी, मैं कंटेंट दोनों में सेम रखने वाला हूँ, सिर्फ ट्रांसलेशन होगा वहाँ पे, और ट्रांसलेट में मैं ही बनाऊँगा खुद से, और कुछ चीज़ें नई भी रहती हैं क्योंकि आपको जब दोबारा पढ़ाते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ मटेरियल चेंज हो जाता है, तो कुछ चीज़ें नई भी रहेगी। तो हिंदी व्यूअर्स भी आप लोग भी जाके वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको भी देखिए और हमें सपोर्ट करिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आप तक कवर करूँगा। इवन मैंने सोचा है कि मैं अभी सोम आरसीसी और भी कई ढेर सारी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जो इंडस्ट्री के यूज़ के लिए हैं, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। टिम्बर ग्रिलेज फुटिंग्स, टिम्बर ग्रिलेज फुटिंग क्या होता है दोस्तों, मीन्स वुड के लिए। ये देखिए यहाँ पे वुड के, यहाँ पे देखिए प्लांक्स रखे हुए मोटे मोटे, ठीक है, तो ये टिम्बर फुटिंग्स होता है, तो टिम्बर ग्रिलेज फुटिंग भी हम लोग यूज़ करते हैं। डी फाउंडेशन, व्हेन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर देन विड्थ। टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन, पहला तो होगा पाइल फाउंडेशन, दूसरा होगा पायर फाउंडेशन। इट मे बी ड्रिवन इन द ग्राउंड वर्टिकली और विथ सम इंक्लिनेशन और टू ट्रांसफर द लोड सेफ्टली। इट्स अ फाउंडेशन ऑफ कैरी अ हैवी स्ट्रक्चरल लोड विच इज कंस्ट्रक्टेड इन अ साइट इन अ डीप एक्सकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन मटेरियल, कंक्रीट पाइल्स कहीं कहीं पे करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स रहती हैं या कास्ट इनटू कंक्रीट पाइल्स जिसमें ड्रिवन पाइल्स और बोर्ड पाइल्स अलग अलग रहते हैं। कहीं कहीं पे टिम्बर पाइल्स भी करना पड़ता है, कहीं पे स्टील पाइल्स जिसमें से एच सेक्शन, एच पाइल, पाइप पाइल, सीट पाइल, बॉक्स पाइल, स्क्रू पाइल्स, वो देखिए पाइल के कितने टाइप्स हैं। कंपोजिट पाइल्स जिसमें कंक्रीट एंड टिम्बर मिक्स करते हैं, कभी कभी कंक्रीट एंड स्टील मिक्स करते हैं, और एक होता है सैंड पाइल। चलिए देखते हैं, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल मटेरियल्स, पहला है एच पाइल, उसके बाद है यहाँ पे स्टील पाइल, प्रीकास्ट पाइल, वुड पाइल्स। पाइल फाउंडेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने सुना होगा वेयरिंग पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स, कंपोजिट पाइल्स, पाइप पाइल, स्क्रू पाइल्स, फाइंडर पाइल्स एंड फेंडर सॉरी बेटर पाइल्स एंड सीट पाइल्स। चलिए देखते हैं इसमें से इन बियरिंग पाइल्स, ये देखिए ये यहाँ तक जाता है, ये बहुत आगे तक जहाँ पे रॉक स्टेशन है वहाँ पे आपको ये मिलेगा, जहाँ पे ही रॉक मिल जाए समझ जाइए यही इसका एंडिंग पॉइंट है, और ये पाइल कैप होता है इसका, और ये पाइलिंग होती है, इसके बाद कॉलम, और ये लोड, और ये ग्राउंड सरफेस। ये होता है फ्रिक्शन पाइल्स, ठीक है, फ्रिक्शन पाइल का एक डिस्टेंस दे दिया कि भाई इतने डिस्टेंस तक जाना है, इसके बाद आपको नहीं जाना है क्योंकि मुझे पता है इसके आगे अच्छा है, ये वहाँ होगा जहाँ पे बिग सॉइल होगा। पाइल विथ पाइल कैप, यहाँ पे देखिए अलग अलग, यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके का फाउंडेशन इसमें हम लोग बनाते हैं। पाइप पाइल, ये इस तरीके से यहाँ पे नुकीला कर देते हैं और इस तरीके से ग्राउंड के नीचे जाता है, ठीक है। इट इज द टाइप ऑफ ड्रिवन स्टील पाइल्स आर फॉर डीप एजुकेशन पाइल पाइप
piles are either open or close end. स्क्रू पाइल्स अलग अलग टाइप के, यहाँ पे स्क्रू लेके वहाँ पे जहाँ पे ड्रिल करने में प्रॉब्लम होती है उस जगह पे ऐसे फाउंडेशन को हम लोग यूज करते हैं. स्क्रू पाइल्स सॉरी सीट पाइल्स, सीट पाइल्स यहाँ पे देखिए आपको मिलेंगे. ये देखिए इस तरीके से सीट पाइल्स आर वाइडली यूज फॉर बोथ लार्ज एंड स्मॉल वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर. जहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा है वहाँ पर ऐसे सीटिंग कर दिया पहले, उसके बीच से यहाँ से करते हैं इस तरीके से. कंपोजिट जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था, स्टील और सॉरी कंक्रीट और वुड को मिक्स किया और मिक्स करके इसको लगा दिया यहाँ पे. स्टील और कंक्रीट को भी करते हैं. फेंडर पाइल्स इस तरीके से होता है, इसमें देखिए अलग अलग, ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर स्टेटस हो वैसे जगहों पे हम लोग इसको यूज करते हैं. इसके बाद है वेटर पाइल्स. वेटर पाइल्स शैल बी यूज ट्रांसफर इंक्लाइंड लोड एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. ये ऐसे जगहों पर जैसे हार्बर होता है जहाँ पे शिप्स वगैरह रुकती हैं, उनके वहाँ पे वाटर के प्रेशर को कम करने के लिए ये यूज होता है. इसके बाद वेल फाउंडेशन, जिसको आप लोग ओशियन फाउंडेशन के नाम से भी जानते हो, ऐसे आपने देखा होगा ब्रिजेस में यूज होता है. दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम लोग आगे और भी ढेर सारे ट्यूटोरियल्स बनाते रहें आपके लिए. और आपके जो भी टॉपिक्स हैं कि मुझे सर ये पढ़ना है बट मैं पढ़ रहा था कन्फ्यूजन में हूँ समझ में नहीं आया, प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके उसी कमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स तैयार करते हैं कि चलो आगे हम लोग ये टॉपिक्स कवर करेंगे. ये टॉपिक भी हमारे किसी स्टूडेंट ने बोला था इसलिए हमने इसको तैयार किया. ये PPT आपको हमारी यूनिक सिविल साइट पे PPT बॉक्स में जाके मिल जाएगी. चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.